हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ कटहल और आलू की सब्ज़ी अपने तरीके से। आज आप सभी को दिखाऊंगी, तो शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा के तेल भी डाल दी हूँ और ये सरसों का तेल है। तो अभी मैं तेल को थोड़ा सा गर्म होने दे देती हूँ। तो देखिए, मेरा तेल में धुआं उठ रहा था तो मैं इसमें डाल दी प्याज और मिर्च। और कुछ भी डालने के लिए मेरे पास नहीं है, तो बस मैं इतना ही सामान को डाल दे रही हूँ। और इधर कटहल को पहले मैं उबाल ली हूँ और आलू को भी पहले उबाल के इनका छिलका भी निकाल के काट दी हूँ। और अभी मेरा प्याज जो है भुन गया है, तो इसमें मैं अभी डाल दे रही हूँ कटहल को और इनको थोड़ी देर भूनूंगी। तो कटहल को मैं पहले इसलिए उबाली हुई हूँ क्योंकि कच्चा भूनने से ना थोड़ा सा नहीं पकता है जैसे लगता है मुझे, तो मैं उनको उबाल दी और इनको अब ऐसे ही भून रही हूँ। 5-10 मिनट तक मैं भूनूंगी और फिर इनमें अभी जो सूखा वाला मसाला है वो मैं डाल दे रही हूँ। तो मेरे पास मसाला पीसने वाला कुछ भी नहीं है, तो मैं जो मार्केट में पिसा हुआ मिलता है वही को ले आती हूँ और उसी को अभी डाल दे रही हूँ। और मेरा मसाला भी आज ख़त्म हो गया, तो जो था वो सभी को मैं डाल दे रही हूँ। आज मुझे मार्केट जाना पड़ेगा वरना बाकी दिन के लिए नहीं है। तो देखिए, मैं मसाला डाल के यहाँ पर टमाटर को भी डाल दे रही हूँ। और टमाटर भी हमारा खेत में जो था वो ख़त्म हो गया है, अब ख़रीदना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ टमाटर था छोटा छोटा, वही सबको हम लोग लाए थे। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं भून रही हूँ ताकि टमाटर गल जाए। और ये टमाटर थोड़ा सा, आजकल बहुत ज़्यादा धूप है तो सूखा सूखा जैसे है, मतलब टाइट वाला है तो ये गीला नहीं होता है, इसीलिए मैं पहले ही टमाटर को डाल दी हूँ। तो अभी थोड़ा सा मेरा सब्ज़ी जो है भून गया है, तो इसमें डाल दी आलू को। और आलू तो वैसे पका हुआ है तो मैं बाद में डाल दे रही हूँ और इनको अब थोड़ी देर भूनेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगता है अच्छा। तो इनको अभी मैं भून दे रही हूँ और एक बार पहले नमक डाली थी और एक बार अभी डाल दे रही हूँ, तो हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दो बार डाल दी हूँ और अब इनको कुछ देर भून लेंगे। उसके बाद जो है इसमें पानी डालेंगे। तो अभी मेरा आलू और कटहल जो है भून गया है, तो इनको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ और अभी इसमें पानी डालूँगी। तो पानी भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि कटहल को उबाली हुई थी, फिर भी ये टाइट ही है, तो ज़्यादा पानी डाल दे रही हूँ ताकि लेट से पकेगा और थोड़ा गल जाएगा। पूरा तो नहीं गलेगा लेकिन अच्छे से पक गया था। और अभी मेरा सब्जी लगभग तैयार हो रहा है और 2-4 मिनट उसके बाद मैं उतार दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है और इनको थोड़ा सा ऐसे ही मैं उतार दूंगी। तो चलिए, तो फ्रेंड मेरा आलू और कटहल का सब्जी कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नए वीडियो के संग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।